न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बैरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, होगा आम जन का सम्मान तभी तो बढ़ेगा राष्ट्र का मान। निवेदक संतोष यादव प्रधान नीम राणा। बहरोड में अब एक ही नाम न्यू रॉयल ब्रांड गणपति प्लाजा बहरोड, जहां हर प्रकार के ब्रांडेड शूज बेहतरीन क्वालिटी व आकर्षक डिजाइन के साथ अपने कदमों की बढ़ाएं रफ्तार, दिखे कुछ खास। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का इनम, मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। प्रदेश की कांग्रेस सरकार में विधायक दीपचंद खेरिया की जनविरोधी नीतियों को लेकर त्रस्त क्षेत्र की जनता व चार साल से रोक रखे पूर्ववर्ती सरकार में मंजूर विकास के कार्यों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक रामेत यादव के आह्वान पर रेलवे फाटक के पास सड़क पर बैठकर 3 घंटे तक धरना देकर SDM गंगाधर मीणा को CM अशोक गहलोत के नाम मांग पत्र सौंपा है। कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता भी तैनात रहा। सुबह 9 बजे शुरू हुई धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भडाना, अलवर शहर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल, पूर्व विधायक रामेत यादव, जिलाध्यक्ष बलवान सिंह यादव सहित नेताओं ने जमकर कांग्रेस की गूंगी बहरी जनविरोधी सरकार व प्रदेश के CM अशोक गहलोत और क्षेत्रीय विधायक दीपचंद खैरिया पर तंज कसे और सरकार पर किसान व्यापारी गरीब विरोधी बताते हुए हल्ला बोला। जनता के किए विवादों को पूरा करने में विफल हो रही है। पूर्व विधायक रामेत यादव ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि खैरतल और किशनगढ़वास में कॉलेज स्टेडियम के नाम पर गरीब परिवारों को हटाकर बेघर करने के जो प्रशासन और सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि गरीबों को जबरन हटाने नहीं दिया जाएगा। यादव ने खैरतल में 52 करोड़ की पेयजल योजना, बाईपास सड़कों का नवीनीकरण आदि कार्यों को रोककर आमजन को परेशान करने व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। वहीं किशनगढ़वास खैरतल व खैरतल मातोर रोड पर लगे टोल में निजी वाहनों को छूट दिए जाने की भी मांग की। वहीं जिलाध्यक्ष बलवान सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने अपने चुनावी एजेंडे में कहा था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन 4 साल से 5 बार बिजली की दरें बढ़ा दी गई है। पूर्ववर्ती सरकार की ओर से किसानों को बिजली के बिल में छूट को भी बंद कर दिया, यहां तक कि किसानों को ट्रांसफार्मर तक समय पर नहीं मिल रहे। धरने के दौरान चेयरमैन हरीश रोघा, पूर्व चेयरमैन अशोक डाटा, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रमिल जासोरिया, किशनगढ़वास चेयरमैन तारामणि, सतीश सिंगल, मंडल अध्यक्ष उमेश कांत वशिष्ठ, उप चेयरमैन वरुण डाटा, भाजपा जिला पदाधिकारी महासिंह चौधरी, कन्हैयालाल परवाना, पवन अग्रवाल, संजय जाटव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कुचामन सिटी की ब्रांच सनराइज डिफेंस एकेडमी पिछले 2 साल से आपके शहर बहरोड में सेवाएं दे रही है, जिनका मकसद राठ क्षेत्र के युवाओं को रोजगार की राह दिखाना। SSC गारंटी बैच प्रारंभ, मात्र 30 सीटें, पहले आए पहले पाएं। एकेडमी में बेस्ट फैकल्टी, जहां पर आपके ननिहालों को एक्सपर्ट फिजिकल ट्रेनर के द्वारा करवाई जाएगी बेहतरीन तैयारी, क्योंकि सरकारी नौकरियों का दरवाजा अब सनराइज डिफेंस एकेडमी से होकर गुजरता है। एकेडमी में बेस्ट क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी एवं उत्तम मैस की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एवं SSC सहित तमाम कॉम्पिटिशन एग्जाम की बहतरीन तैयारी करवाई जाती है। बहरोड अलवर आर्मी भर्ती में सर्वाधिक एक्सीलेंट रेस लगाकर युवाओं ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ निश्चय एवं समर्पण है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। बहरोड में अब एक ही नाम, सनराइज डिफेंस एकेडमी, जागवास रोड बहरोड। सनराइज डिफेंस एकेडमी बहरोड में आओ और नौकरी पाओ। बहरोड विधायक बलजीत यादव विधानसभा क्षेत्र के बिचपुड़ी गांव पहुंचे। इस दौरान गांव में किसान के घर हुई चोरी की वारदात को जल्द से जल्द खुलवाने के लिए मौजूदा अधिकारियों को मौके पर बुलाया और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द चोरी की वारदात को खोलकर पीड़ित को चोरी किया हुआ माल वापिस दिलाया जाए। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक यादव से गाँव की अन्य समस्याओं के बारे में भी चर्चा की। पुलिस अधिकारियों ने जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर वारदात खुलासे का भरोसा दिलाया है। कोमल कैटर्स एंड चाट भंडार, जो आपके लिए लेकर आए हैं बर्गर, मोमोज, आलू टिक्की, दही बल्ला, स्प्रिंग रोल, मसाला डोसा, एग रोल, चाउमीन और बहुत सारे आइटम। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। साथ ही विवाह, शादी, कुआ पूजन, सवामणि कार्यक्रमों में हलवाई, चाट, क्रोकरी, तंदूर, कॉफी, जूस आदि का कार्य संतोषजनक किया जाता है। अब आपके कार्यक्रमों में जमेगा रंग, क्योंकि कोमल कैटर्स देता है लाजवाब खाना और वह भी अनोखे स्वाद के साथ। संपर्क करें प्रोपराइटर जगदीश हलवाई ठेकेदार, मेन पोस्ट ऑफिस के पास, नैनसुख मोहल्ला, बहरोड।
राज्य ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ कस्बे के कुंड रोड पर स्थित श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कुलपति प्रतिनिधि डॉक्टर गंगा साय गुजर ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने की बात कही और खेलों के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन करने की बात कही। इस अवसर पर मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के खेल बोर्ड प्रभारी डॉक्टर विक्रम भटाना ने कहा कि छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए समय समय पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर नीलम यादव ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों का स्वागत कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की जानकारी दी और बताया कि खेल स्वस्थ तन और मन के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए सभी छात्राओं को ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए और बताया कि महिलाओं को शिक्षित करने में संपूर्ण समाज को उनका लाभ मिलता है। इस दौरान कॉलेज समिति के डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, डॉक्टर संजय यादव, प्रवक्ता अमरचंद शर्मा, NSS अधिकारी पृथ्वीराज यादव, जगबीर यादव, रामरतन सूद, अजय सिंह, निशा यादव, इंदु यादव, पूजा लांबा, भागवती यादव, निर्णायक मंडल में सुमन यादव, राजवीर सिंह, सतवीर सिंह, राकेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। भूल न जाना सुख सागर का खाना, एक फोन पर आपके घर पर खाना। होम डिलीवरी के साथ सुख सागर आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन खाना, वो भी अनोखे स्वाद के साथ, स्पेशल लोनी घी के पराठे। आप भी चले आइए अपने परिवार के साथ होटल सुख सागर, जहां बेहतरीन क्वालिटी का खाना उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन के साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा। संपर्क करें 8003993497 999198512। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।